मनु कैसा टेस्ट है देख के बताओ। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज हम लोग हैं स्वस्थ और मस्त और आशा करते हैं आप भी पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज हम लोग इस समय आप देख पा रहे होंगे अपने इस समय ऑर्गेनिक वाले खेत वाले घर पे हैं। तो गाइज हालांकि यहां पे हम लोग जब से आए हैं पूरी मस्ती कर रहे हैं और यहां की ज़िंदगी यानी गाँव की ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। कम्युनिटी पोस्ट वगैरह भी मैंने डाल दिया था, आप लोगों ने उस पर भी बहुत प्यार दिया। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर आए हैं तो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं अपने इस खेत पर। तो गाइज हालांकि बज रहे हैं इस समय 10:30 के आसपास, दिन के 10:30 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहावना है। तो आपको ले चलते हैं अपने इस समय खेत पे, सब्जियों को लेके आते हैं। साथ ही साथ रेखा भी साथ में आ चुकी हैं और चलेंगे हम लोग अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों को ताज़ी ताज़ी तोड़ेंगे जो कि यहाँ पे आने के बाद करते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे। तो गाइज रहिए मेरे साथ, चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पर इस समय आज लेडी फिंगर वाले खेत में। हालाँकि देखेंगे कि अगर हरी सब्जियाँ जो हमारी ऑर्गेनिक वाली हैं अगर वो तैयार हुई होंगी तो उनको भी तोड़ के लाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पर रेखा ने कुछ और भी प्लान किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो गाइज रहिएगा मेरे साथ। तो गाइज हालांकि बारिश का सीज़न चल रहा है, रेखा ने प्लान किया है कि यहाँ तो पानी वगैरह तो बहुत है लेकिन चिड़ियों को दाना वगैरह की व्यवस्था और भी कर देनी चाहिए। हालांकि हमने जो भुट्टा वगैरह मकाई वगैरह का लगाया था वो सब चिड़िया खा गई हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग आज रेखा कह रहे हैं कि हम कुछ व्यवस्था करके चलेंगे। तो रहिएगा मेरे साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो उसको भी पोस्ट कर दूँगा। तो गाइज फिलहाल अभी तो चल रहे हैं हम लोग अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों के पास, तोड़ेंगे सब्जियाँ, साथ ही साथ ले आएंगे उसको बनाएंगे, साथ ही साथ चलेंगे और पूरा इन्जॉय कराएंगे अपने इस खेत वाले घर का और साथ ही साथ अपने इस ऑर्गेनिक फार्म का। हालांकि गाइस यहां पे हमने लगभग 800 पौधे लगा रखे हैं, तो आज पूरा मस्ती कराएंगे और उनका अपडेट भी देंगे, जो अपडेट आएगा जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो गाइज हालांकि मैंने ये गुआवा तोड़ लिया था, काफ़ी कच्चा था, लेकिन जब भी हमारे साथ रेखा होती है यहाँ पे तो हमको सब्जियों वगैरह की टेंशन नहीं होती है। हालांकि हमारा जो लेडी फिंगर वाली यानी भिंडी वाला खेत है अभी उसमें ढेर सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो गाइज आज हमारी पूरी हेल्प रेखा ही करेंगी, भिंडी वगैरह को तोड़ेंगी साथ ही साथ उसको बनाएंगी भी। तो गाइज हालांकि रेखा भिंडी तोड़ रही हैं, साथ ही साथ मैं भी कर देता हूँ हेल्प, थोड़ा जल्दी हो जाए क्योंकि उमस भी बहुत ज़्यादा है और धूप भी हो रखी है और भूख भी लग रही है। हालांकि गाइज भिंडी के जब भी आप खेत में आते हैं तो यहाँ छोटे छोटे इसके जो कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा चुभने लगते हैं, इसीलिए मैं हमेशा ग्लव्स लेके आता हूँ, लेकिन आज मेरे पास ग्लव्स नहीं है तो इसी से ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। गाइज ये सब गांव में होते रहते हैं, ये सब समस्याएँ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि गाइज कल रात में बहुत ढेर सारे मच्छर लग रहे थे तो आज उनका भी इंतज़ाम कुछ नेचुरल कर लेंगे और साथ ही साथ रात में लाइट भी नहीं रहती। तो गाइज गाँव में सर्वाइव करना बहुत ही टफ काम है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो गाइज रेखा से पूछ लेते हैं भिंडी तोड़ के अपने खेत की कैसा लग रहा है, हालांकि ये फर्स्ट टाइम आई हैं। तो रेखा कैसा लग रहा है आपको भिंडियों को तोड़ के? भिंडी तोड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज नन्हू डर रही है, क्यों डर रहे हो नन्हू? क्या है ये, इधर देख कैमरे में बताओ, इधर देखो, कहाँ काट रहा है, कहाँ है कीड़ा, पत्ती खाने वाला कीड़ा है वो नन्हू को बहुत परेशान कर रखा है, जो कि है इधर, ये है रेड वाला। Thank you.
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब चलते हैं रूम में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब नहीं तोड़ पाएंगे भिंडी। तो गाइज हम लोगों ने भिंडी को तोड़ लिया है, चलते हैं साथ ही साथ हम लोग नेनुआ तुरोई को भी तोड़ लेते हैं, साथ ही साथ देख लेते हैं कि अगर वहाँ पर कुछ कद्दू वगैरह मिल जाता है तो लेके चलते हैं, जिससे शाम की भी सब्जी का पूरा इंतजाम हो जाएगा। बार बार सब्जी को तोड़ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो गाइज हम लोग चलते हैं नेनुआ तुरोई को भी तोड़ते हैं, और साथ ही साथ भूख भी लग रही है, तो बनाते हैं, बनवाते हैं और खाते भी हैं, साथ ही साथ आपको भी खिलाते हैं। तो ननु कैसा टेस्ट है देख के बताओ। खट्टा है। बहुत दूध है। तो गाइज हम लोगों ने पर्याप्त सब्जियों को तोड़ लिया है, हालांकि एक कद्दू की तलाश है, हालांकि वो भी मिल जाता है तो दोनों टाइम की सब्जियां हो जाएंगी, हम लोगों की ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गाइज आज भी उमस का मौसम है, बारिश की पूरी संभावना है, तो गाइज हम लोग इसी टाइम पूरा सब्जी वगैरह तोड़ लेंगे ताकि शाम को परेशानी ना हो, क्योंकि कल रात भर बारिश हुई। तो गाइज थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं और सब्जियों को ज़रा जल्दी से तोड़वा लेते हैं, और ये हम लोगों के करेले वगैरह हैं, साथ ही साथ ये भी है। तो गाइस जिसकी तलाश थी वो पूरी हो गई, मुझे कद्दू भी मिल गया, तो इसको तोड़ते हैं, ले चलते हैं और हरी हरी सब्जियों को बनाते हैं और साथ ही साथ आपको भी खिलाते हैं। तो गाइस करते हैं आज के वीडियो यहीं पे समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।